जब ना सिर्फ रात के अंधेरों में बल्कि दिन के उजाले में बहनों की कलाइयों को सुनी कर दिया जाता था। बिहार भर में आज भी जब लोग स्मरण करते हैं लालटेन के राज का, तो याद करते हैं वो दृश्य जब बेटा अगर सुबह घर की चौखट लांघता तो माता पिता को इस बात की चिंता होती कि सुरक्षित बेटा शाम को घर लौटेगा या नहीं। आज भी बिहार में बोधगया में अगर वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा करें तो वो भूले नहीं है लालटेन का वो दौर, कांग्रेस का वो जमाना, जब घर की बहू बेटी अगर घर से बाहर निकलती तो उसके सम्मान और सुरक्षा की चिंता करते हुए परिजन टकटकी लगाकर देखते वो लौटेगी कब। अराजकता के इस दौर से, लालटेन के उस अंधकार से विकास के उजाले में ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज जनता जनार्दन से कहने आई है कि अंधेरों को छोड़कर विकास के पथ पर आप सब एकजुट होकर आगे बढ़े। इसीलिए 28 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं और अपना प्रतिनिधि बिहार विधानसभा में हरिमांझी जी को बनाएं। एक आस एक उम्मीद लेकर जनता पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट देती है। साल 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्र के सम्मुख अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया, तब कांग्रेस वालों ने उपहास उड़ाते हुए कहा कि एक चाय वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। घमंड देखिए कांग्रेस पार्टी का कितना था। कांग्रेस पार्टी का घमंड ये कहता था कि देश की जनता कभी गरीब मां के बेटे को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी, और ये देश का गरीब नागरिक है जिसने संकल्प लिया, कांग्रेस के घमंड को तोड़ा और देश को एक प्रधान सेवक दिया। मैं जन्मा हो जिसने गरीबी में संघर्ष किया हो वो जानता है गरीब परिवार की बहू बेटियों पर क्या बीतती है। वो जानता है कि दिन की शुरुआत से ही महिला का गरीब परिवार में संघर्ष शुरू हो जाता है। वो जानता है कि गरीब परिवार की मां बेटियां रात का अंधेरा ढूंढती, खुले में शौच में जाती, सामने से कोई गाड़ी आती तो अपने आप को आंचल से ढाक लेती ताकि बेइज्जत ना हो। और ऐसी माता बहनों के सम्मान में नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की कि एक गरीब माता बहन की किस्मत नहीं हो सकती कि वो खुले में शौच में जाए, और जिन्होंने लालटेन के माध्यम से अंधकार फैलाया वो बड़े बंगलों में राज करें। इसलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि सम्मान इज्जत गरीब परिवार की माताओं बहनों का होगा, और कहा कम से कम एक शौचालय बनवाने से तो शुरुआत करें। गत 5 वर्षों में देश में 11 करोड़ शौचालय बनाए गरीब परिवारों के लिए, लालटेन ने नहीं बनाए, मोदी ने बनाए। गत 6 सालों में बिहार में 1,70,00,000 गरीब परिवारों के लिए जीवन में पहली बार शौचालय बनाए, लालटेन ने नहीं बनाए, मोदी ने बनाए। ये वो नहीं समझेंगे
जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे, ये वो नहीं समझेंगे जो चांदी का झुनझुना बजाकर बड़े हुए थे, ये वो समझेंगे जिन्होंने अपनी माँ बेटियों को बेइज्जत होकर घर लौटते देखा है। अब वो माँ बेटी जब अपने ही घर में शौचालय का इस्तेमाल करती है तो पिता को और भाई को किस प्रकार का संतोष होता है कि मेरे घर की बहू बेटियों का सम्मान नहीं उछाला जाता, ये वो समझे। आज बोध गया कि जनता से कहने आई हूं, अरे लालटेन का अंधकार एक शौचालय नहीं बना पाया, तुम्हारी किस्मत क्या खाक बना पाएगा। कितने बेटे कितने भाई आज यहां उपस्थित हैं, जो जब घर में मेहनत करने के बाद लौटते माँ से आग्रह करते कि रोटी खिला दे माँ, तो माँ प्रसन्नचित्त होकर रसोई में जाती, रूखा सूखा जो भी है बनाती। उस बेटे से पूछिए जिसने माँ के हाथ का रूखा सूखा खाकर भी संतोष किया है, उस माँ से पूछिए जिसके बेटे ने चोरी से नहीं पुरुषार्थ से पैसा कमाया, उससे पूछिए कि कितना संतोष मिलता है जब घर में माँ का पिता का साया हो, रोटी चैन से माँ खिलाती हो, लेकिन वो बेटा वो बेटी भी जानता कि जब माँ रसोई में जाती रोटी पकाती तो धुआं इतना भरा होता रसोई में कि माँ जीवन भर खांसती। ये वो नहीं समझेंगे जिनकी माँ है, ये वो समझेंगे जिनकी माँ ने आटे के डब्बे का टटोला है कि कम से कम बेटे के लिए एक रोटी ज्यादा बन जाए, ये वो समझेंगे। और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लाल किले के प्राचीर से आह्वान किया कि वोट दिया अपने भारतीय जनता पार्टी को ताकि गरीब का संरक्षण हो सके, और गरीब का संरक्षण उसकी रोटी के माध्यम से, उसकी मां की रसोई के माध्यम से हम करवाएंगे, और उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। जीवन में पहली बार गरीब घर की मां को गैस का सिलेंडर दिलवाया, तो मोदी ने दिलवाया, लालटेन ने नहीं दिलवाया। देश में 8 करोड़, बिहार में 85 लाख माताओं को, गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस का सिलेंडर दिया, तो मोदी ने दिया, लालटेन या कांग्रेस के हाथ ने नहीं दिया। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि जिसने रसोई से धुएं को हटाया, जिसने मां के आंसुओं को पोछा, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे, 28 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाए, कमल का बटन दबाए और हरिमांझी जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में ले जाएं।